ये सीमेंट फैक्ट्री है, लफार सीमेंट फैक्ट्री। ये यहाँ पे टाटा कमिंस एंड टाटा मोटर्स के फैक्ट्रियाँ है। वैसे दोस्तों, वीडियो का टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन सा जगह है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, झारखंड राज्य के छोटनागपुर ज़िले में जमशेदपुर स्थित एक शहर है जहाँ पे ये हुडको पार्क है। हुडको पार्क का एक और नाम आप कह सकते हैं मुलगांवकर पार्क। मुलगांवकर वही पर्सन है जो टाटा मोटर्स के पहले मतलब वहाँ पे जनरल मैनेजर रह चुके हैं और उनके नाम पे ही टाटा सुमो लॉन्च किया गया था। तो उनका मुलगांवकर, सुमो मुलगांवकर उनका पूरा नाम है, तो उसी सुमो नाम से ही टाटा सुमो लॉन्च किया गया था, उनके नाम पे ही, उनके याद पे। तो एक और ख़ास बात बता देता हूँ कि उनका एक हॉबी था फोटोग्राफी करना। तो ये जो जगह है आप देख सकते हैं, बिल्कुल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। जमशेदपुर सिटी से अगर सांची या बिष्टुपुर से माने तो इस जगह का डिस्टेंस है करीबन 14 किलोमीटर और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। थोड़ा पहाड़ के ऊपर है, रास्ता नीट एंड क्लीन है, बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह में पहुंचने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी एंट्री फी कुछ नहीं देना होता है। यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क एंट्री है, पार्किंग के लिए उत्तम व्यवस्था है। इसके अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, ग्रीनरी क्रॉस करते हुए आपको एक लेक मिलेंगे, जो आप लेक देख सक रहे हैं सामने। तो ये लेक के आसपास बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट का जगह है। इस जगह पे लोग इवनिंग के टाइम पे अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे वो अपने मतलब आसपास के सराउंडिंग में घूमते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग जगह है ये, फुल ग्रीन गार्डन के जैसे हैं। तो अभी यहाँ पे एक पिकनिक के लिए ख़ास बात बता देता हूँ, यहाँ पे आप अंदर खाना पका नहीं सकते, मतलब आप कुछ कुक नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से कुछ भी आप खाना पीना ला के यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। मतलब एक वन डे का, एक वीकेंड का आराम से आपका यहाँ पे एक टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे दोस्तों ये इसके ऊपर एकदम टॉप पॉइंट पे हम पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर केस बने हुए हैं, जैसे पहाड़ को काट कर बनाया जाता है ना। अब मैडम धीरे धीरे बढ़ रही है, आइए मैडम। तो अभी हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ये स्टेयर केस आप देख सकते हैं, ये स्लोप है, थोड़ा सा आगे स्टेयर भी स्टार्ट होंगे, ये पूरा ग्रीनरी है। ये रहा दोस्तों स्टेयरकेस, अब देख सकते हैं धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए बहुत ही हाई पॉइंट पे है। इस जगह में पहुंचने के बाद में आपको जमशेदपुर सिटी का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं फाइनल पॉइंट पे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक स्टैचू बनी हुई है, ये श्री मुलगांव जी करके स्टैचू है, ये जगह के नाम पे हुडको है। अभी फ्रेंड्स, ये जो हुडको डैम या हुडको पार्क, मुलगांवकर पार्क जो है, यहाँ पे मैं टॉप पॉइंट पे पहुँच गया हूँ। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं उनका स्टैचू है, वो हाथ में एक कैमरा लिए हुए हैं। तो ये है मेन अट्रैक्शन पॉइंट, ये काफ़ी ऊपर है और मैं आपको पूरा कंप्लीट एक व्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सीमेंट फैक्ट्री है, लफार सीमेंट फैक्ट्री। ये यहाँ पर टाटा कमिंस एंड टाटा मोटर्स के फैक्ट्रियाँ है। ये है मुलगांवकर पार्क से ऊपर का व्यू और यहाँ से आप देख सकते हैं सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा है। ये ब्लू कलर का रेलिंग होते हुए हम अभी इसी रास्ते में ऊपर आए थे।
तो अभी हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा पार्क घूमना हो गया है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे आ सकते हैं, पार्क सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुली हुई रहती है। आप बहुत आराम से अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए प्लेस है। आप देख सकते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से घूम रहे हैं, काफ़ी कड़क धूप है। नो वरी, अगर घूमने के लिए थोड़ा धूप लगे तो लगना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आइए ज़रूर मुलगांव पार्क को विज़िट करें और इसका फीडबैक दें। दाओ बदर बदर करना। फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से निकल कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम इस हुडको डैम से, हुडको पार्क से निकल रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या घूमने के लिए है, क्या अट्रैक्शन पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत अच्छी जगह है ये करने के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसमें व्हीकल पार्क करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, निशुल्क है। 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे एंट्री फी भी कुछ नहीं है और अंदर में आके बहुत ज़्यादा वर्क आपको नहीं करना है। टॉप पॉइंट पे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर टाइम है आपको आने के लिए, आप पोस्ट लंच, लंच के बाद आइए, अराउंड 3 बजे के आसपास। 5 बजे बंद हो जाती है, तो आप आके यहाँ पर घूम सकते हैं, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है। मोस्ट प्रेफरेबल टाइम आपको आने के लिए होगा विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न। गर्मी में आप शाम के बाद आ सकते हैं। तो अगर ये पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को।